हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि मीन से रिलेटेड है। यहां पर पढ़ेंगे मीन किस कितनी सीरीज के लिए फॉलो होता है, इट मींस कौन कौन सी सीरीज का मीन फाइंड कर सकते हैं, कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं, सभी मेथड को बहुत अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ साथ उसके वेयर्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके ही बेस पर कुछ क्वेश्चन है जो कि मिसिंग वैल्यू वाले भी है, नॉर्मल भी है। मीन को कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं, सारे मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टर्म्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल टॉपिक होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने मीन के कॉन्सेप्ट को। मीन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन होता क्या है। नॉर्मली हम बहुत अच्छे से जानते हैं एवरेज को, एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मीन इज द एवरेज, मीन ही एवरेज का दूसरा नाम है। एवरेज को ही मीन बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं और मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ द कलेक्शन ऑफ नंबर, जो आपके पास नंबर्स हैं उसकी मोस्ट कॉमन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, मीन बोलते हैं। कॉमन इन द सेंस के ये नहीं है मोस्ट रिपीटिंग नहीं है, नहीं, वो हमारे पास मोड हो जाएगा मोस्ट कॉमन नंबर। मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। जैसे आप ऑब्जर्वेशन कभी भी आप एवरेज निकालते हो, टोटल नंबर को ऐड करते हो, टोटल ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हो, फिर उसके टोटल नंबर्स को नीचे लिख देते हो, वो ऐसे ही आपका एवरेज निकल जाता है। जैसे टू डिजिट का, टू नंबर का आपने एवरेज निकाला है। ऐसी बात करते हैं मीन की। मीन का फॉर्मूला होता है सेम वही, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स के ऊपर बार बना देंगे, उसे मीन को डिनोट करते हैं। आप नॉर्मल एक्स से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब मीन कितने टाइप की सीरीज का हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किसे बोलते हैं, जब आपके पास नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5 4 3 2, ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी आ गया, मान ये आ गया 5 4 3 2, ये नंबर्स लिखे आपके पास, आपके पास लिखा है फाइंड द मीन ऑफ गिवन सीरीज। ये जो सीरीज गिवन है, नंबर्स गिवन है, इनका मीन फाइंड करना है। सो आप मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे 4 + 5 + 3 + 2, अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4, फोर नंबर, इनको ऐड करेंगे 3 और 2 5 5 और 5 10 और 4 14, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे 3.5 आपका मीन आ गया। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जब सिर्फ आप और सिर्फ आपके पास सीरीज में नंबर्स आए कुछ। इसे हम कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं मीन, ये ऐसे मीन को हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड का काफी कम यूज होता है, डायरेक्ट का ज्यादा यूज होता है, इसे हम डायरेक्ट ही बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे किस तरीके से यूज करते हैं, मैं भी और एग्जांपल दूंगा। मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअली फाइनली हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, यही आता है और मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है D SSS के लास्ट एग्जाम में से भी, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। इनके कॉन्सेप्ट काफी ईजी हो जाते हैं, जो हमने 6th में 8th में एवरेज निकाले वो वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं अच्छे लेवल पर आता, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। ऐसी बात करते हैं डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है ये वाली सीरीज 10, 15, 20, 25, ये नंबर्स लिखे मिलेंगे और साथ में एफ भी, फ्रिक्वेंसी भी होगी। सो मैं मीन का वहां पर फॉर्मूला, मीन इक्वल में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखूंगा, मीन्स एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा, एफ को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं एक्स की। मैं भी ये सब चीज़ें कर दिखाऊंगा आपको, कोई भी डाउट होगा तो। लेकिन मैंने डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली है। लेकिन अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की, तो कंटिन्यूअस सीरीज मेरे पास मेन टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा रिपीट होने वाला है। इसी के अंदर ही ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, जब हम आपसे पहला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज आपने काफी बार सुना होगा, 0 से 10 ऐसे करके इंटरवल बने रखे हैं, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से इंटरवल देखें, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जो किसी न किसी एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है। इसे ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, याद रखना कैसे, ग्रुप डाटा भी से बोलते हैं। सो इसे तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इन मेथड्स को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, कौन सा मेथड क्या होता है, इनके कैसे कैसे इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, इनके अदर्स नेम क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं तीनों ही मेथड्स को बहुत अच्छे से, मीन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। अब तीनों ही मेथड्स के फॉर्मूले और उन्हें कैसे यूज करना यहां पर देखने वाले। फॉर्मूले में गिवन जितने भी मैथमेटिकल सी हमारे पर रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या बोलते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले। मैं आपको बता दूं, मीन हम तीन मेथड से प्रॉपरली फाइंड करते हैं। फर्स्ट मेरे पास डायरेक्ट मेथड है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ना कोड भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 6। आप बोलेंगे सर क्यों है, इसका रीजन मैं अभी देता हूँ आपको। और 4 5 6 याद तो नॉर्मल तो याद रहना नहीं भी रहेगा, आपने मेथड कितने किए 1 2 3 3 के बाद 4 5 6, इस तरीके से लर्न कर लो। ये भी लिखना काउंटिंग का रीजन बताऊंगा क्या रीजन है इसका। जो मेरे पास डायरेक्ट मेथड है, स्टूडेंट्स ज्यादातर इसे यूज करने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे ज्यादा इसे यूज करूंगा, कोशिश क्यों करती है ज्यादातर यूज के, डायरेक्ट है, छोटा मेथड है, जल्दी से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या, कि मेरे पास डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा आती है इन कंपैरिजन देन एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड।
सो आपको अप्लाई करते टाइम आप प्रैक्टिस उसकी करें, स्टेप डेविएशन की, उसमें लेस काउंटिंग लेस मेरे पास कैलकुलेशन आती है, इसमें बड़े बड़े डिजिट आती है, मैं आपको भी कर कर दिखाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये 4, 5, 6 क्यों लिखा है मैंने, 4 इसलिए कभी भी डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन देखते ही फटाक से 4 बॉक्स बना लेने। एज्यूम्ड मीन मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है, उसमें 5 बॉक्स, स्टेप डेविएशन में 6 बॉक्स बनेंगे। मैं आपको भी क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा सर ने ऐसा क्यों बताया। ये छोटा सा फॉर्मूला मीन इक्वल में, यानी कि मीन को मैंने बता दिया, अभी x बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी बोलते हैं, आप एन भी लिख लो, एन भी शॉर्ट है और अच्छा लग रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पर भी सिग्मा एफ एन भी बोल सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब मुझे मीन में से कोई एक चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, उसे हम ए बोलते हैं, याद रहेगा। डी मतलब डेविएशन के लिए लिया गया है, जब मैं इनके साथ साथ इनके फॉर्मूले कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर्मूले के बेस पे, तब आपको और भी अच्छे तरीके यूज भी करना आ जाएगा। कौन सी चीजें क्या है, स्टेप डेविएशन में लिखा हुआ मिल रहा सर, है क्या चीजें, मैं सबके ना वेयर लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एफ क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो भी मेरे पास डाटा मिलने वाला है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स मिल गए, नंबर ऑफ पीपल्स मिल गए, नंबर ऑफ ह्यूमन मिल गए, कुछ भी जो भी हमारे पास क्वेश्चन जिस पे बेस्ड होगा। एक्स बार क्या है पता ही तो सही, ये तो मीन है, ठीक है। और सिग्मा क्या है, मेन चीज सिग्मा, इसे बोलते हैं समीशन, समीशन बोल लीजिएगा, या और इसे एलजेब्रिक सम भी बोलते हैं, एलजेब्रिक सम, ध्यान रखना है किसी भी डाटे का सम करना, सिग्मा लगाकर सम कर लेते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, 1 + 2 + 3 + 10 तक है ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ। चलिए वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इतनी बड़ी सीरीज को 10 तक लिखने में मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, इसलिए मैथमेटिशियन ने एक छोटा सा सिंबल बनाया जिसे सिग्मा बोलते हैं, जो कि यहाँ पर यूज कर रहे थे, शॉर्ट में लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा एन, सिग्मा एन का मतलब एन की वैल्यू 1 से 10 तक, आपने ये फॉर्म लिखी देखी होगी। मीन्स क्या है, एन की वैल्यू पहले मैं 1 रखूंगा, ठीक है 1 रख दिया, सिग्मा है तो मतलब समीशन है, फिर एन की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक रखूंगा, 10 तक रखता रहूंगा, 2 + 3 + प्लस क्यों आता रहेगा, क्योंकि समीशन का साइन था। सो इतनी बड़ी सीरीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका आता है सिग्मा, जिसको हम समीशन बोलते हैं, एलजेब्रिक सम बोलते हैं, नॉर्मल सम बोलते हैं इसे, ठीक है। और क्या है मेरे पास सर, यहाँ पर है एन, एन को मैंने बोल दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना है आपको ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और क्या, डी क्या है, डी बोलते हैं डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन, ठीक है, फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा अभी, या फिर अभी लिख दे, डी इक्वल में एक्स माइनस ए होता है मेरे पास, इसका फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तब आपको और अच्छे से बता दूंगा। और कोई चीज, एक्स बार एच क्या है, क्लास साइज, ये साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास। यू क्या है, मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा होता है, काफी ज्यादा यूजफुल है, यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी अपॉन में एच, अभी मैं इसे यूज करके दिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई और चीज रिमेन तो नहीं है ना, एक्स क्या है, एक्स को हम बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मार्क्स में इसका फॉर्मूला तो पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है क्लास मार्क यानी कि एक्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास अपॉन 2, ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, याद रखना है बहुत अच्छे से। सभी कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, एक्स क्या है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, ए नहीं लिखा मैंने, ए है एज्यूम्ड मीन, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं मीन, इसे भी मैं एज्यूम करना दिखाऊंगा कैसे एज्यूम करते हैं क्वेश्चन में। बाकी सब चीज़ें हो गई ना, यस सब चीज़ें हो गई हैं, नोट्स की तरह अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मेंशन कर लेना है, लिख लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक एक कर कर, पहला डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड जिसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों के बेस पर एक एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे मिसिंग वैल्यू का, सबसे ज़्यादा मिसिंग वैल्यू होता है और ज़्यादातर मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं करते, तो देखेंगे चारों क्वेश्चन को 1 by 1, पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे पहले एग्जांपल डायरेक्ट मेथड के ऊपर, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, क्वेश्चन में कुछ और गिवन था, कुछ प्लांट्स गिवन थे, प्लांट्स का कुछ इंटरवल केस दिया हुआ है, कुछ की फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को जनरल बना लिया, उसकी टेबल को नोट कर लिया, टेबल में जो मेरे पास नंबर ऑफ प्लांट लिखे थे, मैं आपको बता दूं मेरे पास नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ व्यूअर्स बोल सकते हैं,
मेरे पास कुछ भी इंटरव्यूअर्स बोल सकते हैं, पीपल्स बोल सकते हैं, जो भी मेरे पास क्लास का इंटरवल गिवन होगा, मीन्स कुछ कैटेगरी गिवन होगी, वो इस तरीके से गिवन होगी। मैंने उसे क्लास इंटरवल बोलते हैं, उसे ध्यान रखना आपको क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल को मैंने जनरली लिख लिया 0 से 2, 2 से 4। एक चीज और कि मेरे पहले वाले की अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट दोनों सेम मिल रही है, तो आपको ध्यान रखना ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है। कैसा है? कंटिन्यूअस डाटा है। कंटिन्यूअस डाटा हो गया ये दोनों सेम होने के बाद। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है डिसकंटिन्यूअस डाटा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके लिए डोंट वरी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मेरे पास डिसकंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस बना के देख लेंगे, हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। फिर ये फ्रिक्वेंसी गिवन है, अब हमें किस तरीके से हमें किस तरीके से डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन मिलते हैं इसका ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर क्या सम आ रहा है देख लेते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 5 9 and 15 और 5 20, मेरे पास 20 आया। इसे मैंने क्या बताया था, या तो आप n लिख सकते हो या सिग्मा f लिख सकते हो, बात एक ही है। सिग्मा f मतलब सबमिशन, f मतलब फ्रिक्वेंसी का f बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं x, क्या नाम बताया था मैंने अभी इसका, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसे, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था अभी आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपॉन टू। लोअर लिमिट क्या है मेरे पास, ये वाली लोअर है, ये वाली अपर लिमिट है, दोनों का ऐड करो। मैंने अभी क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स इक्वल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, यही तो बताया था। दोनों का ऐड करेंगे, 2 + 0 कितना आएगा, 2 + 0 2 ही आता है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। 4 और 2 कितना आएगा, 6, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3। पहले पर ही मुझे ये कंटिन्यूस है ना, पहले पर मुझे हिंट मिल गया 2 का गैप है, तो ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, ये 11 आएगा, ये 13 आएगा। चेक कर ले, 14 और 12 26 का हाफ 13, क्लियर। अब f into x मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई तो बहुत अच्छे से आती है, 1 1 जा 1 3 2 जा 6 5 1 जा 5 7 5 जा 35 9 6 जा 54 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। अब इन्हें ऐड भी कर ले, कैसे भी ऐड कर सकते हो, आपके अपना अपना कंफर्ट जोन की बात है। 6 और 1 7 5 7 5 हो जाएगा हमारे पास 12, और 5 हमारे पास हो जाएगा 17, 17 और 4 हो जाएगा 21, 21 30, 32 का 2 कैरी 3, 3 3 6, 6 11, 13 और 3 16। सो मेरे पास इसका सम, सिग्मा एफ एक्स का सम कितना आया, मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल में 162 आया। अब आप मुझे बताएंगे डायरेक्ट मेथड का मैंने मीन का फॉर्मूला क्या लिखाया था, बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड मतलब मीन क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या फिर एन भी लिख सकते हैं, अपने अपने कंफर्ट की बात है। मेरे पास मीन फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था कि अभी जब भी मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग लगेगी, जिनकी डाटा मेरे पास सॉफ्ट था तो ईजिली मैंने मल्टीप्लाई कर ली, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है या डाटा थोड़ा हैवी आ गया तो मुझे मल्टीप्लाई में पहली बात तो प्रॉब्लम होगी, सेकंड थिंग्स मुझे ऐड करने में परेशानी होगी, एक और परेशानी यहाँ पर भी आएगी। सो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी सी अपर लेवल पर हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास कौन सा है, स्टेप डिवीजन इजी होता है, आपको अभी पता चल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का सम कितना आया मेरे पास, 162, ठीक है। सिग्मा एफ का फ्रिक्वेंसी का सम 20, ठीक है। डिवाइड करें, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, हाफ होगा 81, अपॉन में 0 है यानी कि 10 है, 8.1 मेरे पास मीन आ गया। ये मेरे पास कौन से मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं जो कि कौन से मेथड से होगा, एज्यूम मीन मेथड से होगा, जिसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बताया था ये एज्यूम मीन मेथड से होने वाला है, जिसका दूसरा नाम क्या था, शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चंस के मैंने सेम वही जैसे आपको बताया था कि जनरल फॉर्म लिख लिए, क्वेश्चन में गिवन था मैंने किसी जनरल फॉर्म बना लिया, ये बता रहे स्टार्टिंग वाली जो इंटरवल्स होते हैं इन्हें क्लास के इंटरवल्स बोलते हैं, इन्हें क्लासेस बोलते हैं, और ये क्लास का इंटरवल है, साथ में उसका फ्रीक्वेंसी का डाटा गिवन होता है, ये भी सेम वैसे ही गिवन है। मैंने आपको एक छोटी सी अपने लास्ट क्वेश्चन में नोट नहीं की, मैं भी भूल गया, क्या कि डायरेक्ट मेथड में 4 बॉक्स बने थे, सर सेकंड आ गया एज्यूम मेन मेथड 5, जैसे ट्रिक बताई थी वैसी 1 2 3 4 5 6, तो 5 बॉक्स बने ना, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अब मेरे पास f कितना है, 11 सब गिवन है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आपको काम यही करना है f को ऐड कर लेना है, तो ऐड करते हैं 11 और 10 कितना था, 21 और 7 28 32 36 39 और 140। सो सिग्मा f मेरे पास कितना आया, 40 आ गया। इसके बाद अप्लाई करते हैं, मैंने बताया सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास पहला बॉक्स। दूसरा x कैसा आया था, अभी मैंने लिखा था क्लास मार्क इक्वल में क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2,
सो मेरे पास अपर और लोअर, लोअर है 0, अपर है 6, ऐड कर लेंगे 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3, 10 और 6 कितना आएगा मेरे पास, 10 और 6 आएगा 16, हाफ करेंगे 8। एक छोटी सी चीज और बता दूं, डायरेक्टली आप ऐसे कोई गैप नहीं लिख सकते कब तक, जब तक आप अपनी क्लासेस चेक नहीं कर लेते, क्लासेस के बीच का गैप सेम है या नहीं ये बहुत जरूरी है। गैप सेम होगा तब आप इसे इजीली फ्लो कर सकते हैं गैप को। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए आपके साथ डिस्कस करना चाहा कि आपके हर क्वेश्चन में डिफरेंट सीरीज सीख रहे हैं आप। जैसे स्टार्टिंग वाले देखिए बिल्कुल कंटिन्यूस थी, ये भी कंटिन्यूस है, सब सेम मिल रहे हैं, लेकिन इसके जो बीच का गैप है ना वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो ना एज्यूम्ड मीन मेथड से आराम से कर सकते हैं। जब तक मैं उसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकता जब तक उसके बीच का गैप सेम ना हो, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उस क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे जब गैप सेम नहीं होगा तब, और सेम होगा तो स्टेप डेविएशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 10 और 14 24, 24 का हाफ होगा 12। देखा आपने, अब मेरा जो ऑर्डर था 5 का गैप बिगड़ गया ना, ऐसे 14 और 20 कितना होगा, 34 का हाफ 17, 28 और 20 होगा 48 का हाफ 24, 38 और 28 कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 66, 66 का हाफ कितना आएगा 33, यस आप ऐड करके देख लेंगे 8 और 8 16 हो जाएगा, और ये 50 और 66 का हाफ 33, ऐसे यहाँ पर 40 और 38 होगा 78, 78 का हाफ हो जाएगा मेरे पास कितना 39, यस और नो, 40 और 38 39, ये मेरे पास x आ गया। d निकालना है जिसे बोलते हैं डेविएशन, बहुत आसान है, लेकिन मुझे मैंने आपको बताया मैं किससे कर रहा हूँ, assumed mean method से, कौन से assumed mean method means मुझे इसमें कोई ऐसा एक mean assume करना पड़ेगा जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, shortcut method भी बोलते हैं, shortcut method। अब इसमें मुझे कुछ एक चीज mean कर लेट करना पड़ेगी x में, आप देखिए counting कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, odd है बहुत आसान है, even होता तो confusion होता कौन से वाले को लेट करना है। 3 मैंने अपर से स्किप किए, 3 लेफ्ट से, बीच वाले को मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 17 को ए। मेरे पास इवन नंबर आ जाते तो दो नंबर होते, मान लेते दोनों नंबर आ जाते तो दोनों में से ऊपर वाले को मान लेते हैं, तब मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है। आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे, वरी ना है इसके लिए। तो मेरे पास ए आ गया, तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, ए को माइनस करना है सब में से, तो डी लिखते हैं डी इक्वल एक्स कितना है पहले में 3 माइनस ए कितना है 17, तो कितना आएगा माइनस 14, कोई परेशानी नहीं। सेकंड में लिखते हैं डी इक्वल एक्स कितना है 8 माइनस करना है ए कितना है 17, तो कितना आएगा माइनस 9, यस ऐसे इसे माइनस करेंगे तो माइनस 5 आएगा, 0 आएगा, इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, इसे माइनस करेंगे 39 में तो 22 आएगा। सब ऑप्शन सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ऐसे माइनस कर लेंगे आसानी से, कुछ माइनस में कुछ प्लस में, ये भी ध्यान रखना। अब एफ इंटू डी करना है, एफ की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किस में, डी में ध्यान रखना है, तो मेरे पास डी ये है और एफ ये है, ऐसे बॉक्स बना लें, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स में मल्टीप्लाई कर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे बॉक्स बना लेना है। 11 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा, ठीक है। 9 10 या 90 होता है, साइन को साथ में लिखना है माइनस को ध्यान रखना है, 75 या 35, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 47 या 28, 16 3 या 48, ठीक है, 22 अंदर 22, कोई प्रॉब्लम, ऐड कर ले, बहुत आसान है, माइनस वालों को अलग ऐड कर लेते हैं प्लस वालों को अलग, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। 154 और 90 आराम आराम से कर लेते हैं, 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 9 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 1 और 1 2, ये मेरे पास आया। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 8 और 8 16 और 2 18, 18 का ऐड कैरी 1 मेरे पास, ठीक है, 4 2 6 और 2 8 और 1 9 माइनस कर लेते हैं, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 7, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, सो माइनस की डिजिट बढ़ी है तो मेरे पास समीशन आया माइनस का 181 सिग्मा एफ डी। आराम से आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, मैं किसी भी तरीके से ऐड जैसे आप चाहें, आसान तरीका क्या है, माइनस वालों को अलग ऐड कर लो और प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली बात है, कैसे ऐसे लिखते हैं, कहीं मैंने ऐसे लिख दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये तो आया मेरे पास, ये वाले ऊपर वाला है, ये वाला 98, ये वाला आया, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 181 आएगा ना, साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़े बड़े डिजिट का साइन आता है, ठीक है, ये मेरे पास सम आ गया। अब ए भी क्लियर हो गया, अब बताओ मुझे आप क्या कि एज्यूम मीन मेथड में क्या फॉर्मूला होता है,
एज्यूम मीन मेथड में सबसे आसान फॉर्मूला बताया था, मीन इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन लिख लो या सिग्मा एफ लिख लो, आपके बार एन लिख लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। एन किसे बोलते हैं, इसे एन बोलते हैं, ध्यान रखना आपको। एन इक्वल 40 है मेरा, अप्लाई करते हैं। ए कितना था 17 जिसे मैंने एज्यूम किया था, ठीक है। एफ डी कितना आया माइनस का 181 आया, नो प्रॉब्लम। एन कितना आया 40 आया, ठीक है 40 आया। डिवाइड करते हैं 17 सेम प्लस माइनस माइनस, डिवाइड करना आता है आपको, बहुत आसान है। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 10 0 को स्किप कर लेते हैं। 4 4 जो 16 कितना बचा, 2 बचा 21 हो गया। 4 5 जो 20 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, ठीक है। 4 2 जा 8 2 रिमेन, 4 5 जा 20, नीचे मैंने सिर्फ 4 से डिवाइड करा था इसलिए एक 0 रिमेन है, एक 0 है, पॉइंट एक आगे कर दो, आसान बिल्कुल। अब माइनस करते हैं, 17 में से पहले 4 माइनस कर लेंगे, 13 13 में से ये माइनस करेंगे तो 12.475, ये मेरे पास मीन आ गया एज्यूम मीन मेथड से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करूंगा तो ध्यान रखना आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी हो मीन के आंसर मेरे पास सेम आने हैं। अप्लाई करना आपको आ गया होगा, आपकी प्रैक्टिस इसे बहुत कम टाइम में लेकर आ सकती है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और बहुत मतलब सॉफ्टली आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इस कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस करते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलेंगे कि मुझे मिसिंग वैल्यू वाला जरूर कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो किस पर, स्टेप डेविएशन मेथड पे, किस तरीके से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी, सो अप्लाई करते हैं। सो ये 3 एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए होने वाला है, ध्यान रखना है काफी ज्यादा यूजफुल है ये। क्यों यूजफुल है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो स्टेप डेविएशन की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो मेरा मानना यह है कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन करें जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, लेस कैलकुलेशन में, लेस टाइम में। बॉक्स एक फालतू जरूर बनेगा, सॉरी 6 बॉक्सेस बनेंगे, 2 फालतू डायरेक्ट के कंपैरिजन में, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे आप डाटा देखो 500 to 520 to 540, स्टूडेंट्स इतना बड़ा डाटा देखकर इसकी कैलकुलेशन अगर डायरेक्ट से करेंगे ना मुझे तो चक्कर आ जाएंगे, आप अपना देखना, मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों 510 आएगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्स की वैल्यू आएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन होने वाली है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन में। अगर इसी को मैं स्टेप डेविएशन से करूंगा तो देखो कितना सॉफ्ट आएगा, इतनी बड़े बड़े डाटा आएंगे ही नहीं कैलकुलेशन के लिए। सो अपने जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था सीआई क्लास इंटरवल है, एक्स बोलते हैं क्लास मार्क, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर 2 से डिवाइड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे 520 और 500 कितना आएगा 1020, डिवाइड कर लेंगे तो 510। गैप सबसे पहले एक चीज जरूर चेक कर लेनी है, मेरे पास जो सीरीज गिवन है, जो डाटा गिवन है, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, पहले बात तो कंटिन्यूअस है। मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर कराने वाला हूँ, लास्ट वाले में करा देंगे जिसमें डिसकंटिन्यूअस होगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। ये मेरे पास कंटिन्यूअस डाटा है, ठीक है। अब इसका गैप भी सब में 20 का है ना, यस गैप भी सब में 20 का है, तो मैं अपना जो ऑर्डर ना बहुत आसानी से फॉलो कर सकता हूँ। अब इसे ऐड करेंगे, अगर 500 का आपको गैप परेशानी लग रही है ना ऐड करने में, तो 20 और 40 60, 60 का हाफ 30, ठीक है 20 का गैप है, इससे अच्छी बात ही नहीं है, 20 का गैप है तो 50 के बाद क्या आएगा 70 आएगा, 50 के बाद आएगा 70, 70 के बाद आएगा 90, मेरे पास सभी आ गए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे ऐड कर देख लेते हैं, ऐड करें 12, 14, 26 और 8, 34, 40, 50, ये मेरे पास ऐड आया, यानी कि एन इक्वल में कितना आ गया 50 आ गया, इजी है ये मेरे पास, ठीक है। अब निकालते हैं मुझे डी, जिसे मैंने क्या बताया था डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम कैसे करते हैं, डाटा काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, फिर मेरे पास ऑड है, कोई बात नहीं इवन होता तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, मिड वाले को मैं ए लेट कर लेता हूँ। माइनस करते हैं डी इक्वल में एक्स, एक्स कितना है फर्स्ट वाला 510 माइनस ए, ए कितना है 550, माइनस करने पर आएगा माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे u फाइंड करना है, जिसे मैंने क्या बोला था, हम u को इजीली फाइंड कर सकते हैं, u इक्वल में d अपॉन h, d मेरे पास पहले कितना आया माइनस 40, h बोलते हैं गैप, मीन्स इसे क्लास साइज बोलते हैं, क्लासेस क्या है ये सब क्लासेस है, सब में सेम गैप होगा तभी स्टेप डेविएशन अप्लाई होता है। तो गैप कितने का है 20 का, तो 20 से डिवाइड कर देंगे सो आएगा 2, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, देख रहे हैं कैलकुलेशन कहाँ पहुँच गई, 500 वाली कैलकुलेशन 1, 2 आ गई, आसान। एफ यू में मल्टीप्लाई,
एफ ये है, यू ये है, इस तरीके से जरूर कर लें या फिर बॉक्स कर लें मल्टीप्लाई करते टाइम, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कर कर करने क्वेश्चन। 12 2 24 ठीक है, 14 1 14 जीरो, 6 1 10 2 आसान है, ऐड करें, मैंने कहा था माइनस वालों वाला ऐड कर लेंगे। 24 और 14 38 प्लस कर लेते हैं ये वाले, 26 कितना आएगा मेरे पास, -12 कोई प्रॉब्लम नहीं है, -12 आ गया। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला होता क्या है स्टेप डेविएशन के लिए, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट्स बना लेना अच्छे से, बहुत काम आने वाले हैं। मीन इक्वल में एक्स बार इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच, ये मेरे पास फॉर्मूला था, एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने अभी आपको। ए क्या है मेरे पास, ए है 550, ठीक है 550 सेम लिखते हैं। माइनस एफ यू कितना आया, माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 12 माइनस में आया। एन कितना है मेरे पास, 50 है, ठीक है। एच कितना है, क्लास साइज है 20, ये सभी चीजें आपको लिखनी है अच्छे से। जीरो से जीरो कैंसिल, 550 माइनस 12 टू जा 24 बाय 5, 24 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने का 5 से आसान तरीका बता दे, 24 का डबल कर दो खाली, 4.8 एक डिजिट की बात, पॉइंट लगा दो, माइनस करते हैं 550 में से 40, मतलब 5 तो ऐसे रहेगा, 50 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 46, 45.2 ये मेरे पास आ गया मीन। होप सो आपको स्टेप डेविएशन मेथड क्या तीनों ही मेथड से अच्छे से मीन निकालना आ गया होगा। प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट पे, 3-3 4-4 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मैं सैंपल पेपर जब आपको सॉल्व कराऊंगा तब भी आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को। लास्ट क्वेश्चन मीन के कॉन्सेप्ट पे जो काफी बार पेपर में रिपीट होता है उसे बोलते हैं मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन जरूर आता है, मैं आपको मीडियन में भी मोड में भी मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन जरूर कराने वाला हूं। तो मीन में क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग वैल्यू वाला और थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस डाटे के साथ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर आपको पता है दो डाउट आपके बहुत अच्छे क्लियर होने वाले हैं, एक तो मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन को किस तरीके से फेस करना है, सेकंड हमारे पास डिसकंटिन्यूअस डाटा को कंटिन्यूअस कैसे करेंगे उसका मैं सेपरेट अभी लास्ट में बता दूंगा आपको। ये मेरे पास एक इंटरवल गिवन है, क्लासेस गिवन है जो कि ऑर्डर में है जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पर, लेकिन मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देखा आपने 7 6 9 13 यहाँ पर एफ गिवन है, एफ की जगह क्या आएगा मिसिंग है, आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी किसी क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी होती है उसमें अगर मीन का क्वेश्चन है तो मीन गिवन होगा, मोड का क्वेश्चन है तो मोड गिवन होगा, अगर मीडियन का होगा तो मीडियन गिवन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में रीड आउट कर मीन मीडियन मोड में से जो भी चीज गिवन है उसे नोट डाउन करना है। सो मैं आपको क्वेश्चन जब मैंने रीड किया था यहाँ पर मीन 18 गिवन था, बाकी नॉर्मल अपना क्वेश्चन है डाटा है, इसे प्ले करते हैं किस तरीके क्वेश्चन को हमें करना है। अब आपने देखा पहले मुझे एक्स कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, 13 और 11 कितना आता है 24, 24 का हाफ होगा 12, सेम इसे देखते हैं मेरे पास कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, गैप सब में 2 का है, क्लास साइज जिसे हम एच बोलते हैं 2 है, 15 और 13 आएगा 28 का हाफ 14, सिर्फ 2 का गैप आ रहा है 16, 18, 20, 22, 24, चेक कर ले 24 आएगा क्या, 25 और 23 48, यस आएगा, इसे भी ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ जिसे हम एन बोलते हैं क्या आएगा, ऐड करते हैं 6 और 7 और 6 होगा 13 और 13 26 और 9 35 और 5 44 ये वाला, और एफ को मैंने स्किप कर दिया था, एफ लिख लिया लास्ट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मेरे पास आ गया। डी निकालते हैं, मैंने बताया था एज्यूम कैसे करते हैं, एज्यूम करने के लिए मुझे कैसे करना है बहुत आसान है, काउंट करने कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, ठीक है, 3 ऊपर से स्किप करने हैं, 3 नीचे से, मिड वाले को एज्यूम लेट कर लेते हैं। डी मेरे पास कितना आ गया, ए 18 माइनस करते हैं, डी इक्वल में एक्स कितना है 12 माइनस ए कितना 18, तो कितना आएगा माइनस 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस करेंगे तो 14 माइनस 18 माइनस 4 आएगा, माइनस 2 आएगा 0 2 4 6, इजी है, सीरीज की तरह फॉलो हो गया। अब एफ की मल्टीप्लाई डी में 7 6 42 6 4 24, ठीक है ना, आसान है, 9 2 18 ये तो 0 ही आने वाला है, 2f एफ की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2f ही आएगा, 5 4 20 6 4 24 ऐड करना है इसे भी, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं या सिग्मा एफ डी कितना आएगा, ऐड 24
और 24 ये तो कैंसिल हो गए, आसान हो गया। अब मेरे पास क्या है, 42 और 18 कितने होते हैं 60, 42 और 18 60, 60 में से 20 माइनस कर, मैं आपको आराम से करके दिखा देता हूँ, 60 प्लस 20 प्लस 2f, ये तो बचा मेरे पास, माइनस करेंगे माइनस 40 प्लस 2f, सो मैं सम क्या आया मेरे पास 2f माइनस 40, ये मेरे पास आ गया सम। मैंने पांच बॉक्सेस बनाए, डी पर आकर रुक गया हूँ, तो कौन सा ही है शॉर्टकट मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने भी, शॉर्टकट मेथड जिसका दूसरा नाम था हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, मीन इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, बताया था अभी, मीन कितना मेरे पास 18, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, ए कितना है मेरे पास एज्यूम किया था 18 है ये भी, ये और अच्छी बात हो गई। सिग्मा एफ डी कितना है मेरे पास 2f माइनस 40, एन कितना है मेरे पास 44 प्लस एफ, सॉल्व करते हैं बहुत आसान है, प्लस चेंज इनटू माइनस, 18 में से 18 माइनस करेंगे क्या आएगा, जीरो आने वाला है, जीरो आएगा, ठीक है, 2f माइनस 40, ये 44 प्लस एफ सेम, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, कुछ भी होगा जीरो की मल्टीप्लाई होगी सब जीरो, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड माइनस चेंज इनटू प्लस, मेरे पास आ गया 20। सो मिसिंग वैल्यू क्या है एफ की मेरे पास 20, फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान रखना है मिसिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से आपको फेस करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वाले डाटा के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, या आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज कर कर अच्छे से। अब मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को इसलिए क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वो कॉन्सेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास ये लिखा हुआ है 9 और ये लिखा हुआ है मेरे पास 12, सेम ऐसे ही कोई डिफरेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी 13 लिख रहा है, और उसके बाद गैप कितने का है, देखिए गैप कितने का है, 9 से 12 में 3 का गैप है, सो इसमें भी 3 का गैप करने पर कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 16, सो ऐसे ही मेरे पास ये लिख लेते हैं 16 से नेक्स्ट 17, 20, नेक्स्ट आएगा 21 और 24, इसी डाटे को बता देते हैं। देखो ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस डाटा है, जिसका सेम होता है कंटिन्यूस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस डाटा वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली प्ले नहीं करना है, पहले से कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं पहले ये सुनिएगा, 9 में से 0.5 माइनस कर लो कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर दो 12.5 आ गया, ऐसे इसमें से 0.5 माइनस करो, पहले वाले में से ध्यान रखना है माइनस करना है, सेकेंड वाले में ऐड करना है, माइनस करो 0.5 12.5 हो गया, इसमें ऐड कर दो 16.5, इसमें से माइनस करो, इसमें ऐड कर दो, इसमें से माइनस करो, इसमें ऐड कर दो, सो मुझे क्या देखने को मिला कि मेरी सीरीज कंटिन्यूस हो गई सर, यस और नो, कंटिन्यूस हो गई, तो इसका मतलब क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आपके सामने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें मेरे पास सीरीज जो होगी डिसकंटिन्यूस हुई कंटिन्यूस नहीं हुई, तो पहले से मैं कंटिन्यूस बनाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन को प्ले करूंगा, ध्यान रखना उससे पहले क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। आज की वीडियो में पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आई होप सो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपके टीचिंग एग्जाम में आने वाली सारी मैथमेटिक्स के आपके अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। जब तक के लिए थैंक्स।